हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवार आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन स्प्लेंडर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को लेके इंडिया में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि हमेशा टाइम टू टाइम ये डिबेट होती रहती है कि क्या इंडिया में बिटकॉइन लीगल है इलीगल है। इसकी आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लियरिटी हम सबको मिलने वाली है, क्योंकि ये न्यूज निकल के आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कि जो हमारी भारत सरकार है वो आने वाले टाइम पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन पे लगा सकती है 18% का GST। तो ये न्यूज क्या है इसकी डिटेल वो आपको बताएंगे, और अगर ये GST लगेगा तो कैसे लगेगा, क्या पूरे वॉल्यूम पे लगेगा या क्या ट्रांजैक्शन होगी, क्या है पूरा का पूरा मामला, वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि इसके बारे में हमारे जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है CA साहिल शर्मा जी, उनसे हमने बात करी, उनसे समझने की कोशिश करी, और जो यूनोकॉइन वन ऑफ द लीडिंग एक्सचेंज है उनके CEO हैं सात्विक विश्वनाथन, उनसे भी हमने बात करी कि भैया ये है क्या, तो ये समझेंगे तो और इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और क्या इसके इसके जो मायने और भी निकलते हैं। अगर टैक्स लगा रही है तो हमारे सब सब सर के ऊपर जो क्रिप्टोकरेंसी जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर उसके सर के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, क्या ये बैन तो नहीं करने की तैयारी करेगी गवर्नमेंट, अगर टैक्स लगाएगी तो बैन क्यों करेगी, तो ये समझने वाली बात है। तो ये सारा कुछ हम समझने और समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां आपका मन करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर किसी तक ये पहुंच लीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की आज 29 दिसंबर 2020 की एक आर्टिकल छापा है, और उन्होंने सारी की सारी डिटेल दी है कि एक्चुअल में 18% GST हो सकता है हमारी भारत सरकार आने वाले टाइम पे लगा दे। अब ये पूरा मामला क्या है वो समझिए। जो सेंट्रल इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है CEIB, उन्होंने एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC को। उन्होंने क्या कहा है कि भैया अगर जो है आप इस पे टैक्स लगाओगे तो आप इसके अंदर 18% जो भी ट्रेड होगा उसका 18% का GST कमा सकते हो, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 7200 करोड़ रुपए यानी कि 7200 करोड़ रुपए का हमारी भारत सरकार इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और ओवरऑल जो बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट से 40,000 करोड़ टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है इंडिया के अंदर, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 40,000 करोड़, कोई छोटा मोटा नहीं। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है वो किस तेजी से इंडिया के अंदर फैल रही है, और इससे हमारी गवर्नमेंट कैसे फायदा उठा सकती है। अगर ऐसी कुछ बात होती है, अगर ये प्रपोजल अप्रूव होता है और या ये कानून बनता है, इसके ऊपर रेगुलेशंस की बात होती है, तो ये जो कहानी थी सबसे अच्छी बात क्या है, जो बैन की कहानी थी जिसकी वजह से आम आदमी आज भी झिझकता था क्रिप्टो करेंसी को लेने के लिए, वो आगे बढ़ के आएगा कि भैया मैं इसके अंदर पैसे लगाऊं, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। लेकिन ये टैक्स लगेगा कैसे, इसके लिए हमने जो साहिल शर्मा जी है उनसे बात करी, जो कि CA हैं हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, उनकी बात जानते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। Following a legacy of many foreign governments, finally our Indian government has decided to regulate the crypto industry, especially Bitcoin. अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज की माने तो CEIB, which acts as a think tank to CBIC, उन्होंने CBIC को एक written proposal forward किया है regarding taxing of Bitcoin transactions and covering them under the levy of GST regime. इससे एक बात तो बहुत क्लियर है, जो कि बैन बिल प्रपोज हो रहा है अपकमिंग पार्लियामेंट सेशंस में, अगर CBIC इस प्लान को प्रपोजल को लॉ में कन्वर्ट कर देती है तो वो बैन बिल ऑल टुगेदर निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। कमिंग ऑन टू द GST लेवी प्रपोजल में इट इज स्टेटिंग क्लियरली दैट ऑन द मार्जिन यू आर अर्निंग देर विल बी अ फ्लैट लेवी ऑफ 18% GST. And the proposal also states that this Bitcoin will form part of your intangible assets and will be part of your current asset. So according to me, if you are a holder, agar aap holder hain, depending on the term you are holding, whether a short term or long term only, then that will form part of your intangible asset. But if you are a day trader, then the profits will become part of your business income, and accordingly GST will be levied on that. And we should consider this as a welcome move by CBIC if it considers it. Coming on to the government perspective, looking at from the government side,
on Indian bourses, there is a total transaction volume of 40,000 crore annually of Bitcoin transactions alone. अगर हम इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट देखें गवर्नमेंट के लिए, तो 7200 CR एडिशनल रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए जनरेट कर सकता है अगर ये 18% GST इसके ऊपर लेवी कर दिया जाए. सो फ्रॉम बोथ साइड इट्स अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज फ्रॉम अ सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बी यू नो रिपोर्टिंग एवरीथिंग यू आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज टू द गवर्नमेंट. सो हमारा कोई भी डर कल को मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई और जो ब्लैक मनी वाइट मनी है उसका एकदम हमारा डर खत्म हो जाएगा. और गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स. सो लेट्स वेट फॉर द CBIC अनाउंसमेंट्स फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशंस. थैंक यू सो मच. अब दोस्तों आपको समझ में आ गया, जैसा कि साहिल शर्मा जी ने ही बोला, कि जो ये टैक्स लगेगा वो आपके प्रॉफिट पे लगेगा, यानी कि आपका जो मार्जिन होगा. मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का बैंक अकाउंट से खरीदा, 10 लाख रुपए का बैंक अकाउंट से अपने खरीदा और 15 लाख में बेचा, यानी कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ. 5 लाख पे 18% GST कितना हुआ? 90,000 रुपये. यानी कि आपको वो 90,000 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. अब ये टैक्स कैसे भरोगे? दोस्तों आप आम आदमी के पास तो GST नंबर नहीं होता, तो चांसेस हैं, जैसा हमने बात करी, डिस्कशन करी, एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करी, कि ये जो काटेगा ना, ये जो GST है वो एक्सचेंज ही काट लेगा, क्योंकि उनके पास में GST नंबर होता ही है, तो एक्सचेंज काट लेगा और वही गवर्नमेंट को सबमिट करेगा. यहां पे दूसरी बात जो समझ में आई, जो कि हमने सात्विक जी से भी बात करी, उनका ये कहना है काफी बोल्ड मूव है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी काफी बोल्ड मूव है ये हमारी गवर्नमेंट का, और ये अच्छे ही रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए. और उनका कहना है कि ये ब्रोकरेज और जो मार्जिन, यानी कि जो सेल करोगे, जो डिफरेंस रहेगा उनका भी यही कहना था, यानी कि जो ब्रोकरेज होगी, जो आप कमीशन देते हो जब भी आप ट्रेड सेल परचेस करते हो, उस पर तो लगेगा ही, प्लस जो आपका प्रॉफिट होगा तो उस पर भी लगेगा, और वो डायरेक्टली, जैसा आपको बताया, जैसे सीए साहिल शर्मा जी ने भी बोला कि वो डायरेक्टली काट लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि जीएसटी नंबर हम आम आदमी के पास तो होता नहीं है. तो ये ओवरऑल ऐसे कटेगा. अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, जो हमें लगा, हम इंडिया में, आपको शायद पता है कि नहीं पता, हर चीज पे डबल टैक्स देते हैं. अगर हम कोई गाड़ी भी लेते हैं उस पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है, और हमारी इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है. यहां पे आपको समझना है, यहां पे भी आप एक तरह से डबल टैक्स ही देने वाले हो. कैसे? अब आपको समझना पड़ेगा कि 18% तो आपने GST दे दिया, 10 लाख की चीज जो थी आपने खरीदी थी, 15 लाख में बेची, उसमें 90,000 रुपये आपने GST दे दिया. आपकी बैलेंस जो इनकम बची वो कितनी बची? आपका 4,20,000 का प्रॉफिट हुआ. और मान लो आपका 10 लाख से ऊपर का अगर प्रॉफिट होता है, तो आप कौन से स्लैब में आते हो? जो आपके टैक्स स्लैब में आओगे, आप उस हिसाब से वो भी टैक्स दोगे, यानी कि GST तो आप दे ही रहे हो, उसके अलावा भी जो, अगर आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हो, आप 5 लाख से ऊपर वाले में आते हो या 10 लाख से ऊपर आओगे, तो 30% देना पड़ेगा उसके हिसाब से भी, यानी कि आपको अपनी इनकम पे भी टैक्स देना है और ये GST आपके प्रॉफिट पे तो आपको देना ही पड़ेगा. तो ये ओवरऑल कहानी चल रही है. लेकिन इसमें से जो समझने वाली बात है, अच्छी बात क्या है, कि आम आदमी अब खुल के जो है इसके अंदर ट्रेड कर पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा ये प्रपोजल होगा तो इससे फायदा ये होगा कि हर कोई जो झिझकता था कि भैया इस पे कैसे टैक्स देंगे, लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी. यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है रेज होता है, और हमने यही चीज समझने की कोशिश की साहिल शर्मा जी से भी, क्या ये पुरानी ट्रांजेक्शन पे भी होगा? उनका ये कहना था कि ये पुरानी ट्रांजेक्शन, रेट्रो जो ट्रांजेक्शन होंगे उन पे नहीं, जब ये इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद की जो ट्रांजेक्शन होगी तो उन पे जो है ये लगाना चाहिए लॉजिकली. तो ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, जो आगे आने वाली जो होगा, जो भी वो गाइडलाइन जारी करेंगे, जो प्रपोजल आएगा और सारी क्लैरिटी आएंगी या इसके ऊपर जो रेगुलेशंस आएंगे, उससे और आइडिया आने वाले टाइम में लगेगा, और हम इसके लिए भी आपको अपडेट करते रहेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन थी, आप सब तक पहुंचनी चाहिए, और हमने वही कोशिश की. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज इंटरेस्टिंग हम लाते रहते हैं जो कि आपको अप टू डेट रखे. तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए. आपके दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद.